उसके बाद देखो टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बात बताओ मुझे, ये एक पेंडुलम है सपोज टू बी, ये पेंडुलम यहां से चल रहा है और अपनी मीन पोजिशन को ओवरशूट करके आगे बढ़ रहा है ये, तो इस पेंडुलम के पास कितने टाइप की एनर्जी हो सकती है? जो कि ये पेंडुलम क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मोशन में है, तो इस पार्टिकल के पास क्या हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। जो कि ये पेंडुलम यहां से चलता है चलता है चलता है चलता है, यहां पे था तो इसकी पोजीशन कुछ और थी, यहां पे था पोजीशन कुछ और है, यहां पे पोजीशन कुछ और है, यहां पहुंचेगा पोजीशन कुछ और है, तो पोजीशन बदल रही है। तो नेचर में पोजीशन बदलने से एक एनर्जी डेवलप होती है, दिस इज कॉल्ड क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस बॉडी की जो कि पोजीशन बदल रही है तो इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। इस बॉडी के पास हर पॉइंट पर मोशन भी है, इसके लिए क्या है इसके पास, तो इस बॉडी के पास दो तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और इन दोनों एनर्जी के जो टोटल सम होता है दिस इज कॉल्ड क्या, मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी बोल सकते हैं। तो हमें इस पेंडुलम की जो दोनों एनर्जी है और टोटल एनर्जी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो जी, तो पेंडुलम के पास दो तरह की एनर्जी हो गई, कौन सी, काइनेटिक और पोटेंशियल। देयर आर एनर्जी एग्जिस्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, फर्स्ट कौन सी थी हमारी, यस पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर दूसरा कौन सा है, तो एक एक करके एनर्जी निकालते हैं। सबसे पहले आती है क्या, पोटेंशियल एनर्जी, किसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग ले लो, एक पेंडुलम ले लो, कुछ भी ले लो, ये एक स्प्रिंग अभी कहां पे, अपनी मीन पोजीशन पे है, दिस इज मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अगर स्प्रिंग को मैं यहां से यहां तक डिस्प्लेस कर दूं, कितना वाई, तो इस स्प्रिंग को डिस्प्लेस करने के लिए मुझे एक फोर्स लगानी पड़ी, अगर मुझे कोई फोर्स लगानी पड़ी तो इस बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट किया, तो मैंने क्या करा, वर्क डन। लेकिन एक बात हमें निशानी बहुत अच्छे से पता है, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है, इस दुनिया में वर्क डन हमेशा किसी एक फोर्स के अगेंस्ट होगा। अगर कोई फोर्स हमारे अगेंस्ट है तभी हम कुछ क्या कर सकते हैं, कुछ वर्क कर सकते हैं। अगर कोई फोर्स हमारे अगेंस्ट नहीं है तो इस दुनिया में हम कभी वर्क नहीं कर सकते। मैंने देखा कि अगर ये एक बॉडी है, ग्रेविटी इस बॉडी को कहां खींच रही है, अपनी तरफ, तो मैं अगर इस बॉडी पे फोर्स ऊपर की तरफ लगाऊंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी तो ऊपर ही हो रहा है, तो मैं फोर्स ऊपर लगा रहा हूं, मैं डिस्प्लेसमेंट ऊपर ही कर रहा हूं, तो मेरा वर्क डन कैसा, पॉजिटिव, वो इसलिए मैं वर्क कर रहा हूं क्योंकि मेरे अगेंस्ट कोई फोर्स काम कर रही है। फिर से, अगर ग्रेविटी इस बॉडी को नीचे अपनी तरफ खींच रही है और मैं ऐसे फोर्स लगा के इस बॉडी को नीचे धकेलता हूं, तो मैंने कितना वर्क किया, जीरो, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है, तो मेरा वर्क डन जीरो होगा। तो ये बहुत पुरानी पहचान है हमारी कि नेचर के अंदर वर्क डन हमेशा किसी फोर्स के अगेंस्ट होगा। हमारे अगेंस्ट कोई फोर्स है तभी हम कुछ फोर्स के अगेंस्ट अपना कुछ वर्क कर सकते हैं। अगर हमारे अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं है तो हमारा वर्क डन कितना होगा, जीरो। अगर हमारे अगेंस्ट कोई फोर्स जीरो है तो हम कितना वर्क करेंगे, जीरो। अगर हमारे अगेंस्ट कोई फोर्स है तो उसके अगेंस्ट हम वर्क करेंगे। तो वर्क डन की निशानी है कि वर्क डन तभी होगा जब हमारे अगेंस्ट कोई फोर्स काम करे। तो हम ये देखते हैं कि जैसे हम स्प्रिंग को दबाते हैं तो एक स्प्रिंग के हमारे इस डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट एक फोर्स बन जाती है। तो क्योंकि एक फोर्स उल्टे डायरेक्शन में बन रहा है, इसीलिए हम उस फोर्स के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ एक फोर्स लगाते जा रहे हैं। हम एक फोर्स लगाते जा रहे हैं, जैसे जैसे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बनता जा रहा है। तो मैं फोर्स भी दरी लगा रहा हूं, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी दरी हो रहा है, तो दोनों वर्क, ये वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव है। लेकिन ये वर्क डन पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि उल्टा, इसके उल्टा, उल्टे डायरेक्शन में एक फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रही है। अगर इस पर रिस्टोरिंग फोर्स होती नहीं तो वर्क डन कितना होता, जीरो होता। ये बात समझाती है बड़ी बात। तो एग्जैक्टली एक पेंडुलम को जब हम यहां से छोड़ते हैं, ये पेंडुलम था, इस पेंडुलम को अगर हम यहां से छोड़ते हैं तो हमने देखा यहां से हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, हमने ऐसा छोड़ा, तो यहां से आता अगर ये पेंडुलम गया तो इस पेंडुलम ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा, वाई। तो हमने फोर्स कितनी लगाई, एफ। तो हमने फोर्स क्यों लगाई, क्योंकि पक्का इसके उल्टे डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा था। कितना, अगर मैं यहां से यहां तक की एफ फोर्स लगाता हूं तो इसने भी कितना फोर्स लगाया होगा, एफ। तो ये एफ फोर्स लगा रहा है तो उतनी फोर्स मैंने कितनी लगाई, एफ। तभी तो इस बॉडी में मेरा वर्क डन कैसा होगा, दिस इज पॉजिटिव। ये बात समझ आती। तो वर्क डन हमेशा किसी एक फोर्स के अगेंस्ट होता है, और हम जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक फोर्स हमेशा क्या करती है, इस बॉडी पर काम करती है, जो हमेशा इस बॉडी को टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लेके जाने के लिए मदद करती है। तो वो बॉडी तो इसे खींच के रखती है कहां, मीन पोजीशन पे। तो हमें इस मीन पोजीशन से इस बॉडी को क्या करना है, दूर करना है। तो दूर करने के लिए उस फोर्स के अगेंस्ट हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, कितनी, जितनी वो लगाएगा उतनी फोर्स हमें लगानी पड़ेगी। तो अगर मुझे वर्क डन, अच्छा तो एक बार बताओ, अगर मैंने इस स्प्रिंग को यहां से यहां तक दबाया और दबाने में मैंने इसे 10 जूल का वर्क करा, तो
तो मेरे द्वारा किया गया वर्क डन कंजर्वेशन के नियम से कहां चला गया, तो आंसर है कहीं नहीं गया, इसकी दबी हुई स्प्रिंग की एनर्जी बनके स्टोर हो गया। तो इसका मतलब इस स्प्रिंग की पोजीशन चेंज करने के लिए मैंने इस पर कुछ वर्क किया, तो इसकी अब पोजीशन करंट पोजीशन क्या हो गई, दब के ऐसी हो गई। तो इस वाली स्प्रिंग को यहां से यहां तक दबाने के लिए, इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए हमने इस पर जितना वर्क किया है वो हमारे द्वारा किया गया वर्क डन इसकी पोजीशन चेंज करके इस स्प्रिंग की क्या बन गया, एनर्जी बन गया। तो अगर मैंने इस पर 10 जूल का वर्क कराया तो इस स्प्रिंग के पास कितनी एनर्जी है, पोटेंशियल 10 जूल की पोटेंशियल एनर्जी है। एग्जैक्टली इस पेंडुलम को मैं यहां से उठा के यहां तक लेके जाता हूं और मैंने इसे 20 जूल का वर्क किया, तो अगर मैंने इसे 20 जूल का वर्क किया तो मैंने इसकी पोजीशन बदल दी, तो मैंने अगर इस पर 20 जूल का वर्क करा तो इस पेंडुलम के पास कितनी एनर्जी है, पोटेंशियल 20 जूल की है। जो कि पोजीशन चेंज करने की वजह से मुझे इस पर वर्क करना पड़ा, तो मेरे द्वारा किया गया वर्क डन इसकी पोजीशन को चेंज करने में इसकी पोजीशन पे उस ऑब्जेक्ट के पास जाके एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा और वो एनर्जी क्या कहलाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ये बात समझ में? तो अगर मुझे इसका वर्क डन निकालना है इसके कि मैंने इसके ऊपर कितना वर्क किया, तो जितना मैं वर्क करूंगा वो इसकी एनर्जी बन जाएगा। तो अगर मैं बोलूं मैंने इसके ऊपर वर्क करा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, तो क्या ये मेरा एनर्जी के लिए फॉर्मूला सही होगा, तो आंसर है नो। तो मैं वर्क निकालने के लिए फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट ये फॉर्मूला यहां पर डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सुन, क्योंकि जैसे जैसे इस बॉडी को मैं दूर लेके जाऊंगा तो पहले तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, इतना, फिर डिस्प्लेसमेंट इतना, फिर डिस्प्लेसमेंट इतना, तो डिस्प्लेसमेंट हर बार बदल रहा है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट हर बार बदलता जा रहा है तो हमें पता फोर्स की वैल्यू भी तो बदल रही है, क्योंकि फोर्स कितनी होती है, रिस्टोरिंग फोर्स एफ इजिकल टू के वाई। तो ये नेगेटिव फोर्स है और हमारी फोर्स पॉजिटिव है, तो जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा फोर्स भी तो बदलती जा रही है। तो नेचर में दो वैल्यू जिनकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर दोनों ही वेरिएबल हैं तो उनके हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए क्या तरीका है, इंटीग्रेशन। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि ये पेंडुलम, ये एक बॉडी है, इस बॉडी को हमने यहां से यहां तक छोटा सा डिस्प्लेस किया, यहां से यहां तक हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, कितना डी वाई, क्या करा डी। तो जब हम एक बॉडी को बहुत छोटा मान लेते हैं, क्वांटिटी को बहुत छोटा सा चेंज करते हैं, तो दूसरी क्वांटिटी उसके रिस्पेक्ट में क्या बन जाती है, कॉन्स्टेंट बन जाती है। तो जब हमारा डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो उसके रिस्पेक्ट में फोर्स कैसी बन जाएगी, कॉन्स्टेंट बन जाएगी। और अब हम यहां से अपनी कैलकुलेशन को करना स्टार्ट करते हैं। ये बात समझ में आती है? चलिए देखिए, तो पोटेंशियल एनर्जी है क्या, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ए गिवन सिंपल हार्मोनिक मोशन is converted into its potential energy। भाई जितना आप अमाउंट में वर्क डन कर रहे हो किसी भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, वो उस सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो देखो जी, जैसे लेट करा, लेट डी वाई इज द स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट बाय फोर्स एफ अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। ये बात समझ में? तो वर्क डन कितना हो गया, तो आंसर है वर्क होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हमारा, दिस इज वर्क डन। ठीक, क्या करा इसका, इंटीग्रेशन कर दिया। तो डेरिवेटिव किसका है, वाई का। तो ये एक पेंडुलम था, इसको हम यहां से इसकी मीन पोजिशन से डिस्प्लेस करके लेके जा रहे हैं। तो अभी हमने कितना डिस्प्लेस करा, डी वाई। तो शुरू में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, जीरो, और कहां तक डिस्प्लेस करके लेके जाना है, वाई एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके जाना है। तो शुरू में डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो, क्योंकि डेरिवेटिव वाई का, तो लिमिट भी वाई में आएगी, तो कितना आ गया, वाई। तो जब अच्छा, तो जीरो से वाई, डेरिवेटिव किसका, वर्क, तो लिमिट भी वर्क में आएगी। तो शुरू में हमारा वर्क कितना है, मीन पोजिशन पे जीरो, जब मेरा डिस्प्लेसमेंट वाई हो जाएगा तो टोटल वर्क कितना हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ हमें पता है कि फोर्स है कितनी, एफ इजिकल टू के वाई, माइनस तो रिस्टोरिंग फोर्स लगाते हैं उल्टे डायरेक्शन में, हम इसके अपोजिट लगा रहे हैं, तो हमारा फोर्स कैसी होगी, पॉजिटिव। पुट करोगे इसमें पुटेन फर्स्ट, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, तो डब्ल्यू आ जाएगा डायरेक्ट, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, के वाई इंटू डी वाई, और इंटीग्रेशन कर दिया जीरो से वाई। क्लियर? बस अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो कैलकुलेशन, तो कितना आ गया, तो W इज इक्वल टू K, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, Y इंटू डी वाई, और कितना, जीरो से Y। तो W इज इक्वल टू K, जिसका डेरिवेटिव होता है उसी का फंक्शन होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, और लिमिट कितनी है इसकी, जीरो से Y। तो W इज इक्वल टू कितना आ गया, K Y स्क्वायर अपॉन में टू, और लिमिट कितनी है, जीरो से Y।
पहले फाइनल रखते हैं फिर माइनस, तो W इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 के वाई स्क्वायर। और ये जो वर्क हमने किया वही क्या बन गई उसकी एनर्जी बन गई, दिस इज कॉल्ड क्या U। भाई पहले y को y में रखोगे तो y स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा, फिर माइनस का लगाओगे y की जगह 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये एनर्जी आ गई। तो ये एनर्जी क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं इसमें स्पेशल केस लगाऊं, पहला देखना एट मीन पोजीशन, किस पे आना है भाई, मीन पोजीशन के ऊपर बता सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0, तो मैं पता है मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0, तो बताइए मेरी पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर कितनी होगी 0। तो हमेशा ध्यान रखना मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो होती है। अरे वो बॉडी अगर वहीं की वहीं है तो किसी ने कोई वर्क ही नहीं करा, और वर्क नहीं करा तो एनर्जी कितनी होगी जीरो होगी। नंबर दूसरा ना एक्सट्रीम पोजीशन पे, अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे हमें पता है तो वाई किसके इक्वल हो जाता है ए, एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता है। अगर y एम्पलीट्यूड के बराबर हो गया तो मेरी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मुझे कितनी मिलेगी, तो आंसर है 1/2 के ए स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान रहे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी होती है 1/2 के ए स्क्वायर, क्लियर। उसके बाद अब आगे देखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो हमें पता है नाउ काइनेटिक एनर्जी का सबको फॉर्मूला याद है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वो जितनी वेलोसिटी लेके चलेगा, और हमें पता है ये जो वेलोसिटी होती है हम लोगों ने निकाला था ओमेगा अंडर रूट में कितना होता है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुट अबव अगर यहां पे वैल्यू रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 एम, अगर मैं वी का स्क्वायर करूंगा तो ओमेगा का स्क्वायर कितना आ गया ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एम ओमेगा स्क्वायर को हम कुछ लिख सकते हैं, याद करो के के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर ही तो होता है, तो कैन आई राइट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नहीं आ रही समझ। तो ये क्या बन गया हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी। इसका स्पेशल केस अगर निकालें, स्पेशल केस, तो स्पेशल केस में हम सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, मीन पोजीशन पर आ जाओ, मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है जीरो, अगर मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो मेरी काइनेटिक एनर्जी कैसी आ गई मैक्सिमम, और वो कितनी होती है हाफ के ए स्क्वायर। अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे बात करूं, एक्सट्रीम पोजीशन, तो वाई किसके इक्वल हो जाता है ए के बराबर आ जाता है, और ए और ए दोनों बराबर हो गए तो मेरी काइनेटिक एनर्जी कैसी हो गई जीरो, ये मिनिमम हो गई कितनी हो गई जीरो। और ये हमें बहुत अच्छे से पता भी है कि जब किसी एक पेंडुलम, कोई भी एक पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन की तरफ होता है तो ये पेंडुलम उसकी वेलोसिटी कैसी होती है ज़्यादा, तो मीन पोजीशन पर आने के लिए उसकी वेलोसिटी कैसी होती है ज़्यादा, लेकिन जब वो पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है जीरो, अगर वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जीरो। मीन पोजीशन पर कोई वर्क डन होता नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जीरो, लेकिन जब इसे मीन पोजीशन से दूर करते हैं तो कुछ वर्क किया गया होगा, जितना वर्क किया होगा उतना उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। इसकी टोटल एनर्जी निकाली, अगर इसकी टोटल एनर्जी देखें, टोटल, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी है ई है, तो अगर मुझे इसकी टोटल एनर्जी निकालनी है तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी हमारे पास कितनी हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये कितना है पोटेंशियल हाफ के वाई स्क्वायर, अगर इसको सोल्व करेंगे तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के वाई स्क्वायर प्लस हाफ के वाई स्क्वायर, इससे कट गया तो हमारी टोटल एनर्जी कितनी आ गई हाफ के ए स्क्वायर। तो आपने देखा कभी तो मेरी टोटल एनर्जी मीन पोजिशन पे हो जाती है, ये रहा ना यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे कैसी होती है मैक्सिमम, तो मतलब मेरी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी बन जाती है कहाँ पे मीन पोजीशन पे, और यही मेरी टोटल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर मुझे इसका ग्राफ देखना हो तो ग्राफ देखिए जरा, ग्राफ बिटवीन किसमें टोटल एनर्जी ई, ये बात समझ आया बेटे, विद पोजीशन। तो देखो जी ये क्या हमारी, दिस इज टोटल एनर्जी ई,
और ये क्या हमारी एक्सट्रीम पोजीशन, क्या बेटा एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, और ये क्या कहलाएगी हमारी मीन पोजीशन। हमें बताया कि जो मीन पोजीशन है उस मीन पोजीशन पर हमारी काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, मिनिमम, दिस वन। इसी तरह से अगर हम किस पे निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी अपना एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी होती है, मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे कैसी होती है बेटे, मैक्सिमम, ओके, हम लोगों ने देखा। और मीन पोजीशन पे कैसी होती है, मिनिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन पे कैसी होती है, मैक्सिमम। ये बात समझ में, इसका मतलब अगर मुझे टोटल एनर्जी कहीं भी निकालनी हो तो हम ये देखते हैं कि इसकी टोटल एनर्जी, यहां पर ये वाली एनर्जी कौन सी हमारी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ये तो है। और ये पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे कैसी होती है, मैक्सिमम, और किसके इक्वल होती है, 1 बाय 2 के ए स्क्वायर। ये भी क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज मैक्सिमम, कितना है, 1 बाय 2 के ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो, एग्जैक्टली ये वाला जो हमने, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी को। ये वाला जो वॉलेट कलर वाला है, ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी होती है, जीरो, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कैसे हो जाती है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, कितनी हो जाती है, 1 बाय 2 के ए स्क्वायर। इसका मतलब एनर्जी अगर मैं किसी भी पॉइंट पर निकालूं, कहीं भी निकालूं, वो एनर्जी मेरी हमेशा कितनी बनी रहेगी, 1/2 के स्क्वायर। लेकिन एक बार सोचो, इस पॉइंट पर अगर मेरी यहां पर काइनेटिक एनर्जी मेरी बढ़ती जा रही है तो ये वाली एनर्जी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो मतलब टोटल तो दोनों का हमेशा उतना रहेगा, एक की वैल्यू बढ़ेगी तो एक की वैल्यू ऑलरेडी कम हो जाएगी। तो एक पैरेलल जब मीन पोजीशन से दूर होता चला जाता है तो उसकी क्या कम होती चली जाती है, तो आंसर उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। और बढ़ते बढ़ते जब वो मीन पोजीशन में पहुंच जाता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो तो जीरो हो जाती है, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी टोटल किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में, जो उस एक्सट्रीम पोजीशन पे किस में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, किस पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। और जब वही पेंडुलम जब ऊपर से नीचे की तरफ मीन पोजीशन पे आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी टोटल मीन पोजीशन पे आगे किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी टोटल मीन पोजीशन पे, वो क्या, उसकी टोटल एनर्जी है। तो ये पेपर में ग्राफ आता है जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, लेकिन टोटल एनर्जी पहले भी उतनी थी, अभी भी उतनी रहेगी। ठीक है बेटे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।